हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मनी मार्केट या मुद्रा बाजार। क्या होता है मनी मार्केट, उसका क्या मीनिंग होता है, हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे पहले वो देख लेते हैं। हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे व्हाट इज मनी मार्केट, मनी मार्केट क्या होता है, उसके लक्षण या फीचर्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मनी मार्केट या उद्देश्य क्या होते हैं मनी मार्केट के, उसका क्या महत्व होता है, इम्पोर्टेंस ऑफ मनी मार्केट, कॉम्पोजिशंस ऑफ मनी मार्केट किससे मिलता है, उसके कौन कौन से प्रपत्र या इंस्ट्रूमेंट होते हैं मनी मार्केट के, फिर उसका कैसी संरचना या स्ट्रक्चर होता है, और लास्ट में उसके डिसएडवांटेज कि उसकी क्या डिसएडवांटेज है, फिर है इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ अ डेवलपमेंट डेवलप्ड मनी मार्केट, रिसेंट डेवलपमेंट इन मनी मार्केट, और लास्ट में समरी। सबसे पहले हमें क्या देखना है, इसका क्या मीनिंग होता है, इसका मनी मार्केट या मुद्रा बाजार का। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि मनी मार्केट क्या होता है, एक शॉर्ट टर्म मार्केट होता है जिसको क्या बोलते हैं, मुद्रा बाजार एक अल्पकालीन बाजार होता है जहाँ पे कम समय के लिए क्या करते हैं हम लोग, अल्प अवधि वाली वित्तीय संपत्तियां खरीदते और बेची जाती है। इसमें भी क्या दिखा रहा है, मनी मार्केट रिफर्स टू द मार्केट वेयर मनी एंड हाईली लिक्विड मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड हैविंग अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ वन और लेस देन वन ईयर। क्योंकि ये किसके लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, तो शॉर्ट पीरियड हम किसको लेते हैं, वन ईयर या लेस देन वन ईयर को। तो उसमें क्या बोल रहा है, जो कम समय के लिए ली जाती हैं और इनको क्या करते हैं, यहाँ पे फाइनेंशियल जो भी सिक्योरिटीज होती हैं उनको क्या करते हैं, बाय और सेल करते हैं, जो कैसी होती है, हाईली लिक्विड होती है, मतलब बहुत ज्यादा तरल होती है। फिर क्या बोल रहा है, इट इज नॉट अ प्लेस लाइक द स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट जैसा नहीं है, बट एन एक्टिविटी कंडक्ट बाय टेलीफोन। हमने इसमें क्या देखा था, दो तीन चीजें ही इसमें मेन थी मनी मार्केट में अगर हम पढ़ेंगे तो, पहला क्या था कि एक शॉर्ट टर्म मार्केट होता है, दूसरा इसमें शॉर्ट टर्म के लिए जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज होती हैं उनको, जो हाईली लिक्विडेबल होती हैं या क्या बोलना चाहिए, बहुत ज्यादा तरल होती हैं, उनको हम क्या करते हैं, खरीदते और बेचते हैं। ये कैसे कहाँ का क्या होता है, इसमें कौन कौन से इसमें पार्टिसिपेंट्स होते हैं, मेन पार्टिसिपेंट्स होते हैं बैंक, फाइनेंशियल मीडिएटरीज या कोई कॉरपोरेट यूनिट्स होती है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इसमें क्या करती है, व्यवहार करती है। इसमें मोस्टली ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो हमने पहले भी पढ़ा था कैसे होते हैं, टेलीफोनिक होते हैं। तो क्या बोल रहा है, इट इज नॉट अ प्लेस लाइक द स्टॉक मार्केट बट एन एक्टिविटी कंडक्ट बाय टेलीफोन। द मनी मार्केट कॉन्स्टिट्यूट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, द हाईली लिक्विड मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट लाइक ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कॉल मनी, रीपर्चेस एग्रीमेंट, ये सब क्या है, इसके इंस्ट्रूमेंट है जिनमें हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं इनके थ्रू। हमें क्या समझ में आया, मनी मार्केट जो है वो मैंने बोला था इसको तीन चार पॉइंट में हम आसानी से समझ सकते हैं, था शॉर्ट टर्म मार्केट, शॉर्ट जो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, वन ईयर और लेस देन वन ईयर, वहां पे हाईली लिक्विडेबल जो शॉर्ट टर्म के लिए क्या किया जाता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को बाय सेल किया जाता है। इसके मीडिएटर कौन होते हैं, कोई बैंक हो सकता है, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज हो सकती हैं, कोई कॉर्पोरेट बिग कॉर्पोरेट यूनिट्स हो सकती हैं, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो सकता है। मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन किस पे होते हैं, फोन पे होते हैं, टेलीफोनिक होते हैं, और बाद में इसकी क्या की जाती है, रिटर्न में इसको ले लिया जाता है, दोनों पक्षों द्वारा इसकी लिखित पुष्टि होती रहती है, मतलब बाद में उसको क्या कर लिया था, रिटर्न में कर लिया था, क्योंकि हमको क्या करना है, हाईली लिक्विडेबल है, शॉर्ट टर्म के लिए है, तो हम पूरे कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए वेट नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको कैसे करते हैं, टेलीफोनिक होता है, लेकिन बाद में इनको रिटर्न में ले लिया जाता है। ये क्या था हमारा, इसका कॉन्सेप्ट था कि मनी मार्केट क्या होता है। अब इसको बहुत सारे क्या बोलना चाहिए, परिभाषाएं हैं जिनको अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या किया है, परिभाषित किया है या डिफाइन किया है। तो सबसे पहले किसके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, ग्रॉफरी के अकॉर्डिंग बोल रहा है। ग्रॉफरी के अकॉर्डिंग क्या होता है मनी मार्केट, अब हमें ये समझना है।
Money market is the collective name given to the various firms and institutes that deal in the various grades of the near money. नेक्स्ट ये कंटेन दिया हुआ है. उसके बाद व्हाट इज मनी मार्केट में हमने उसको अलग अलग डिफाइन किया. सबसे पहले हमने आरबीआई के अकॉर्डिंग एज पर आरबीआई डेफिनेशन, आरबीआई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है वो देख लेते हैं. आरबीआई के अकॉर्डिंग क्या बोल रहे हैं, अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असेट्स दैट आर क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर मनी फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ मनी इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट. क्या होता है, मुद्रा बाजार अल्पकालीन मौद्रिक परिसंपत्तियों मॉनेटरी असेट्स का क्रय विक्रय केंद्र होता है. यह उधार लेने वालों की अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तथा उधार देने वालों को नकदी एवं तरलता प्रदान करता है. यह वह स्थान होता है जहां व्यक्ति तथा वित्तीय संस्थाओं के विनियोग योग्य अल्पकालीन बेचे धन को उधार लेने वाले व्यक्ति वित्तीय संस्थाएं तथा सरकार स्वयं बोली लगाकर प्राप्त करती है. क्या समझाना चाह रहा है वो मुझे कि अल्प मुद्रा बाजार जो है वो कैसा है, अल्पकालीन बाजार है जिसमें मौद्रिक संपत्तियों का मॉनेटरी असेट्स का क्या होता है क्रय विक्रय केंद्र है या बाय सेल किया जाता है उसको. यह उधार लेने वालों की अल्पकालीन, देखो मनी मार्केट में दोनों टाइप के ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं. पहला क्या बोल रहा है, यह उधार लेने वालों की अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है. जिसको बोरो करना है शॉर्ट टर्म के लिए उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है तथा उधार देने वालों को, एक देखो हमें मार्केट में कुछ पैसा लगाते हैं और कुछ पैसा लेते हैं मार्केट से, तो क्या बोल रहा है कि उधार देने वालों को नकदी तथा तरलता प्रदान करता है. यह वह स्थान एक ऐसा प्लेस होता है जहां पे पर्सन व्यक्ति तथा वित्तीय संस्थाओं के विनियोग एक्सचेंज हम कर सकते हैं अल्पकालीन बेचे धन को उधार लेने वाले व्यक्ति वित्तीय संस्थाएं तथा सरकार स्वयं बोली लगाकर क्या कर सकती है, प्राप्त कर सकती है. और डेफिनेशन देख लेते हैं, और डेफिनेशन क्या बोल रहा है इसमें, फिर बता रहा है द मनी मार्केट इज अ mechanism that deal with the lending and borrowing of short term fund less than 1 year. क्योंकि हमें पता है short term की बात करेंगे तो क्या होगा, less than 1 year की बात करेगा. एक segment of the financial, a segment of the financial market in which financial instrument with high liquidity and very short maturity are traded. क्योंकि इसमें क्या होता है बहुत कम समय में इसकी मेच्योरिटी आ जाती है. अगर हम कोई और दूसरे ट्रांजेक्शन करते हैं मार्केट में तो वहां पे क्या होती है मेच्योरिटी पीरियड बहुत ज्यादा होता है, 2 year 3 year या कुछ समथिंग. हमको इसमें क्या मिल रहा है, वेरी शॉर्ट पीरियड में, मतलब कि बहुत कम समय में मिल रहा है. इट डज नॉट एक्चुअली डील इन कैश और मनी बट डील्स विद सब्स्टिट्यूट ऑफ कैश लाइक ट्रेड बिल्स प्रोमिसरी नोट्स और गवर्नमेंट पेपर विच कैन कन्वर्ट इनटू कैश विदाउट एनी लॉस एट लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट. हम क्या करते हैं एग्जैक्टली, हम कैश में इसमें ट्रेड नहीं करते हैं, मनी में नहीं करते, हम इसमें क्या करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट के थ्रू करते हैं, जैसे कि ट्रेड बिल्स हो गए, प्रोमिसरी नोट्स हो गए, कमर्शियल पेपर, गवर्नमेंट के जो पेपर्स होते हैं उनमें, जिनको क्या किया जा सकता है इजिली कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है जिसमें कोई लॉस नहीं होता. इट इंक्लूड्स ऑल इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट्स एंड इंटरमीडिएटरीज. जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, इसमें बैंक्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज इन्वॉल्व हो सकती हैं, कोई कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हो सकते हैं और आरबीआई इन्वॉल्व हो सकता है. और एक दो डेफिनेशन हिंदी में बता देती हूँ. क्या है, क्राउथर के अकॉर्डिंग है, मुद्रा बाजार उन विभिन्न फर्मों संस्थाओं को दिया हुआ सामूहिक नाम है जो विभिन्न श्रेणी की मुद्राओं का क्रय विक्रय करती है. वो क्या बोल रहा है कि मनी मार्केट एक ऐसा प्लेस है या मैं बोल सकती हूँ ऐसा ग्रुप है, उन संस्थाओं का, उन इंस्टीट्यूशन का ग्रुप है जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं विभिन्न श्रेणी की डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कैटेगरी की मॉनेटरी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, बाय और सेल कर सकते हैं. डॉक्टर सेन के अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन है, मुद्रा बाजार का तात्पर्य उस व्यवस्था से है जिसमें व्यावसायिक
विनिमय बिलों, अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूतियां, बैंकर स्वीकृति इत्यादियों के आधार पर अल्पकालीन ऋण के लेन देन का कार्य होता है। मेनली हम क्या देख रहे हैं कि कम समय के लिए जहां हम क्या कर रहे हैं, शॉर्ट पीरियड के लिए बोरोइंग्स कर रहे हैं, उनको हम क्या बोल रहे हैं, उस प्लेस को जहां पे ये सब हो रहा है, जिनके थ्रू हो रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, मनी मार्केट बोल रहे हैं। इसके बाद क्या बोल रहा है, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स या लक्षण बोल सकते हैं किसके, मनी मार्केट के। क्या क्या लक्षण होते हैं देख लेते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या बोल रहा है फीचर। इट इज अ मार्केट प्योरली फॉर शॉर्ट टर्म फंड, अल्पकालीन अवधि के लिए होता है, हमें समझ में आ गया है। और फाइनेंशियल असेट्स कॉल्ड नियर मनी, वो किसके पास होते हैं, एकदम मैंने बताया कि वो एग्जैक्टली मनी नहीं होता, बट वो कॉल नियर मनी। इट डील विथ फाइनेंशियल असेट्स हैविंग अ मैच्योरिटी पीरियड लेस देन वन ईयर ओनली, क्योंकि शॉर्ट पीरियड है, अल्प अवधि के लिए है, कम समय के लिए है, तो या तो एक साल होगा या उस एक साल से कम, लेस देन वन ईयर ओनली। इन मार्केट मनी मार्केट ट्रांजेक्शन कैन नॉट टेक प्लेस फॉर्म फॉर्मल लाइक स्टॉक एक्सचेंज ओनली थ्रू ओरल कम्युनिकेशन, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट एंड रिटर्न कम्युनिकेशन ट्रांजेक्शन कैन बी डन। क्योंकि हमने क्या देखा, शॉर्ट पीरियड के लिए है और इसमें जो ट्रांजेक्शन होते हैं हमने देखा था, वो सारे ट्रांजेक्शन कैसे होते हैं, टेलीफोनिक होते हैं, टेलीफोनिक होते हैं, तो वो कैसे कॉन्वर्सेशन हो जाएंगे, फिर वो ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू होंगे। जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है रिटर्न कम्युनिकेशन की, वो भी किया जाता है। हमने पहले भी डिस्कस किया था जब हम इसको डिस्कस कर रहे थे कि हम क्या करते हैं, इसमें जो मुद्रा बाजार में प्रमुख लेन देन होते हैं वो टेलीफोन पर ही होते हैं, यद्यपि दोनों पक्षों द्वारा इसकी लिखित पुष्टि भी होती रहती है। तो क्या समझ में आया, शॉर्ट टर्म के लिए है, एक साल के लिए मैच्योरिटी रहेगी, एक साल या उससे कम के लिए, स्टॉक मार्केट जैसा फॉर्मल नहीं है, लेकिन टेलीफोनिक होते हैं ट्रांजेक्शन, ओरल होते हैं ट्रांजेक्शन, हैव टू कंडक्ट विदाउट द हेल्प ऑफ ब्रोकर। इसमें ब्रोकर्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसे कि हम पढ़ते हैं स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज, तो उसमें हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, ब्रोकर, सब ब्रोकर, जॉबर, इसमें हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। इट इज नॉट अ सिंगल होमोजेनस मार्केट, इट कंप्राइज ऑफ सेवरल सब मार्केट्स लाइक कॉल मनी मार्केट, एक्सेप्टेंस एंड बिल मार्केट। हमने क्या देखा, पहले भी हमने इसमें डिस्कस किया कि हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज को बाय और सेल कर सकते हैं, तो किसी एक तक भी क्या नहीं है, ये सीमित नहीं है, एक सिंगल मार्केट नहीं है, अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं। द कंपोनेंट ऑफ मनी मार्केट आर द कमर्शियल पेपर, एक्सेप्टेंस हाउसेस और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, इसका क्या उद्देश्य होता है या इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि क्यों बनाया गया, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है। तो हमें समझ में आ गया कि मनी मार्केट की रिक्वायरमेंट क्यों, अगर उससे आपसे पूछे कि वाई वी नीड मनी मार्केट, पूछ सकता है, तो हम बताएंगे क्यों हमें शॉर्ट टर्म के लिए क्या करना है, कैपिटल को यूटिलाइज करना है या बोरो करना है, तो मुझे किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एक ऐसे मार्केट की जो शॉर्ट टर्म के लिए फंड प्रोवाइड करे। तो वो मार्केट कौन सा मार्केट होता है, मनी मार्केट होता है, जो हाईली लिक्विडिट होता है, मतलब जिसकी तरलता बहुत ज्यादा होती है। तो उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, वही ऑब्जेक्ट होगा टू प्रोवाइड अ पार्किंग प्लेस टू एम्प्लॉय शॉर्ट टर्म सरप्लस फंड। मुद्रा बाजार एक संतुलित आर्थिक प्रणाली की व्यवस्था करता है जिससे अल्पकालीन आधिक्यों तथा कमियों में सामंजस्य बना रहे। क्या होता है, बहुत सारे जो बिजनेस होते हैं उनको, या गवर्नमेंट भी होती है, उनको शॉर्ट टर्म के लिए फंड की रिक्वायरमेंट होती है, उस फंड के लिए वो क्या कराता है, उस पर्टिकुलर क्या बोलना चाहिए टाइम पे वो क्या प्रोवाइड करता है, फंड प्रोवाइड करता है टू प्रोवाइड रूम फॉर ओवरकमिंग शॉर्ट टर्म डिफिसिट। अगर कि शॉर्ट टर्म डिफिसिट हो रहा है तो उसके लिए क्या करता है, वो उससे बाहर निकलने में हेल्प करता है, कौन, मनी मार्केट। तो उसका ऑब्जेक्टिव ही क्या है, शॉर्ट टर्म फंड क्या करना, सरप्लस फंड अवेलेबल कराना, डिफिसिट है तो उससे बाहर निकलने में हेल्प करना। अर्थव्यवस्था में तरलता को प्रभावित करने के लिए केंद्र बैंक के हस्तक्षेप हेतु एक केंद्र बिंदु का प्रावधान करता है। उचित मूल्य अथवा लागत पर उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए अल्पकालीन कोषों के उपयोगकर्ताओं तक उचित पहुंच की व्यवस्था करता है। क्या बोल रहा है, टू इनेबल द सेंट्रल बैंक टू इन्फ्लुएंस
and regulate liquidity in the economy through its intervention in the market to provide a reasonable access to user of short-term funds to meet their requirement quickly. उसको क्या बोल रहा है, उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए अल्पकालीन कोषों के उपयोगकर्ताओं तक उचित पहुंच की व्यवस्था करता है। तो ये क्या हो गया, इसके ऑब्जेक्टिव्स हो गए। अब इसकी क्या देख लेते हैं, महत्व देख लेते हैं, इसका क्या महत्व या इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। हम ऑब्जेक्टिव को भी इंपॉर्टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। दो तीन चीजें बहुत ही कॉमन होती हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, इजीली यहाँ वहां यूज कर सकते हैं। क्या बोल रहा है, मनी मार्केट का ऑब्जेक्टिव क्या था, शॉर्ट टर्म फंड प्रोवाइड कराना, सरप्लस फंड प्रोवाइड कराना, डिफिसिट को कम करने में, उससे बाहर निकलने में हेल्प करना। तो इम्पोर्टेंस ऑफ मनी मार्केट क्या इंपॉर्टेंस होगी, डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट, क्योंकि शॉर्ट जो मनी मार्केट है वो शॉर्ट टर्म के लिए फंड प्रोवाइड करता है, डिफिसिट को कम करने में मदद करेगा। तो कहीं ना कहीं कैपिटल मार्केट का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक को आसानी से काम करने में क्या कर रहा है, वो मदद कर रहा है। इफेक्टिव सेंट्रल बैंक कंट्रोल, फॉर्मुलेशन ऑफ सुटेबल मनी मॉनेटरी पॉलिसी, सोर्स ऑफ फाइनेंस टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए क्या है, सोर्स ऑफ फाइनेंस है कौन, मनी मार्केट। हमने देखा था कि मनी मार्केट, कभी कभी गवर्नमेंट को भी फंड की रिक्वायरमेंट होती है बैंक्स को, तो हम क्या करते हैं, मनी मार्केट से ही शॉर्ट टर्म के लिए क्या करते हैं, वहां से उसको फंड प्रोवाइड कराते हैं, ये सरप्लस फंड प्रोवाइड करते हैं। तो दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पैसा जिसके पास समझ लेते हैं कि सरप्लस फंड है और उसको उससे कुछ एक्स्ट्रा इनकम अर्न करनी है, तो वो मार्केट में दे देगा थोड़े समय के लिए कि मेरे पास इतना पैसा है, मैं इससे कुछ और अर्न कर सकता हूँ। कोई ऐसा है जिसको कम समय के लिए पैसे की जरूरत है तो भी वो मनी मार्केट में जा सकता है और शॉर्ट टर्म बोरोइंग कर सकता है। इनसे मिलके बनता है, पर पहले हम क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन मनी मार्केट, इसकी क्या संरचना है, या पहले देख लेते हैं फंक्शन, इसमें फंक्शन नहीं है, फंक्शन ऑफ मनी मार्केट, मनी मार्केट का क्या कार्य है। सबसे पहले देखें तो क्या कार्य है, तरलता समायोजन मतलब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट, क्या करता है, बहुत ही ज्यादा तरल होता है, बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को विभिन्न नियामक प्रावधानों के अंतर्गत एक निश्चित तरल कोष रखना होता है जो समय के किसी बिंदु पर आवश्यकता से अधिक या कम हो सकता है। ऐसी तरलता विषमता के समायोजन में मुद्रा बाजार सहायक होता है। क्या बोल रहा है कि जो बैंक्स होते हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, हम सबको पता है जहां हम अपने पैसे मनी डिपॉजिट करते हैं, उनको भी एक फंड क्या करना होता है, अपने पास हमेशा अवेलेबल रखना होता है, कभी उनको जरूरत पड़ जाए कि कुछ भी प्रॉब्लम हो किसी एक समय के लिए, तो वो क्या करता है, उसके समायोजन में, उसके एडजस्टमेंट में कौन हेल्प करता है, मनी मार्केट, उसको शॉर्ट टर्म के लिए वो फंड प्रोवाइड कराता है, ये उसका काम है। फिर अल्पकालीन कोषों को मंच, आउटलेट फॉर शॉर्ट टर्म फंड, फिर क्या बोल रहे हैं, बिजनेसमैन के लिए हेल्प करता है, उसका काम है इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस, इकोनॉमिक प्रोग्रेस का क्या है, सूचक है, सरकार की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, सप्लाई ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, मुद्रा बाजार सरकार की अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति ट्रेजरी बिल द्वारा बाजार प्रदान करता है, आर्थिक प्रगति का सूचक होता है, मौद्रिक इकाई की स्थिरता, स्टेबिलिटी ऑफ मॉनेटरी यूनिट, मुद्रा बाजार के चलन, मुद्रा की पूर्ति आवश्यकता अनुसार होती है। फिर क्या बोल रहा है, हेल्पफुल इन क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट कंट्रोल में भी क्या करता है, हेल्प करता है, ये सब क्या है, इसके कार्य है, फंक्शन है। अब हम देख ले रहे हैं स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या है, किसका, मनी मार्केट का, मनी मार्केट का स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था, एक होता है ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट और एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट मतलब कि संगठित क्षेत्र या संगठित बाजार बोल सकते हैं, संगठित मुद्रा बाजार, दूसरा असंगठित मुद्रा बाजार। पहले असंगठित देख लेते हैं, इजी है क्योंकि छोटा सा है। असंगठित मतलब कि हम संगठित और ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज्ड वर्ड से ही समझ में आ रहा है। ऑर्गेनाइज मतलब क्या होता है, जिसमें सारी चीजें कैसी होती हैं, व्यवस्थित होती हैं।
और अनऑर्गेनाइज्ड में जिसमें व्यवस्थित नहीं होती है। तो असंगठित मुद्रा बाजार मतलब कि जहां पे फंड्स तो अवेलेबल कराए जाते हैं बट उनके कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होते कि उन्हें गवर्नमेंट के किसी रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना है, उन्हें गवर्नमेंट की सारी जो भी बोलना चाहिए रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं जो भी नियम कानून है उनको फॉलो करना, ऐसा कुछ भी नहीं थे। असंगठित क्षेत्र में, असंगठित क्षेत्र में देसी बैंकर्स, साहूकार जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, इंडिगस बैंकर्स, मनी लैंडर्स, चिट निधि फाइनेंस कंपनी, चिट फंड जो कंपनी होती हैं या किटी पार्टी जिसको बोल सकते हैं, ये सब क्या है शॉर्ट टर्म के लिए फंड प्रोवाइड करते बट इनके इनके ऊपर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता है। यह असंगठित बाजार अपने संगठन स्वरूप, क्रियाओं, ब्याज दरों तथा नियमन जैसे संदर्भ में संगठित क्षेत्र से सर्वथा भिन्न तथा विशिष्ट होता है। इस बाजार में प्रमुखता ग्रामीण दस्तरकार, छोटे व्यवसायी तथा किसान ऋण लेते हैं जिनकी पहुंच साधारणतः आधुनिक बैंकों तक नहीं होती। यह बाजार जो असंगठित मनी मुद्रा बाजार है या अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट है वो क्या होता है, यह बाजार ग्रामों, कस्बों तथा छोटे शहरों में सक्रिय होता है। मतलब छोटी जगह में देख लें तो कोई गांव है, कस्बा है, वहां ज्यादा एक्टिव होता है। यहाँ साहूकार प्रचलित दर से अधिक ब्याज दर पर परिचित ऋणियों को सहायक प्रतिभूति अथवा बिना प्रतिभूति केवल जमानत के आधार पर ऋण उपलब्ध कराते हैं। इन देसी बैंकर्स या साहूकारों पर रिजर्व बैंक का कोई नियमन या नियंत्रण नहीं होता है। जैसे हमने पहले पढ़ा कि इंडिगस देसी बैंकर जो होते हैं, देसी बैंकर की गतिविधियां नियंत्रित नहीं होती। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं या कोई निजी फर्म होती है जो एक किसकी तरह काम करते हैं, बैंक की तरह काम करते हैं, और क्योंकि वे जनता के जमा स्वीकार करते हैं तथा उन्हें ऋण देते हैं। पुराने समय तथा मध्य काल में ये बहुत सक्रिय थे परंतु भारत में बैंकिंग प्रणाली के विकास के बाद प्रायः ये समाप्त हो गए, लेकिन गांव-गांव में अभी भी ये प्रचलित होते हैं। ये क्या करते हैं, लोगों को का मतलब डिपॉजिट भी करते हैं और उनको क्या करते हैं, ऋण की आवश्यकता है, बोरोइंग्स की रिक्वायरमेंट है, मतलब उनको अगर पैसे की जरूरत है तो उनको पैसे भी उधार देते हैं, लेंडिंग ऑफ मनी करते हैं, या तो वो जमानत के कुछ रख लेंगे या तो ऐसे भी कर सकते हैं। साहूकार हम सबको पता है क्या होता है, हमने मूवीज में भी देखा है, वो अपनी मर्जी से क्या करता है, अपने ब्याज दर या इंटरेस्ट रेट डिसाइड करता है और लोगों को देता है। ये चेंज भी हो जाते हैं, अगर उसकी पहचान का कोई व्यक्ति है तो वो कम ज्यादा कर सकते हैं, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होते। पर देखा जाए तो लोगों, ये भी एक टाइप का मनी मार्केट है। क्यों? क्योंकि लोगों की कम समय की जो मनी की आवश्यकता है, पैसे की जो आवश्यकता है, जो मॉनेटरी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया जा रहा है। जहां शॉर्ट टर्म के लिए मॉनेटरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जाएगा उस प्लेस को तो हम मनी मार्केट कहेंगे, अब वो ऑर्गेनाइज्ड हो या अनऑर्गेनाइज्ड हो। जैसे चिट फंड होते हैं, चिट फंड में क्या होता है, छोटी छोटी चिट फंड कंपनीज होती हैं, वो क्या करती हैं, लोग कुछ लोग होते हैं जो उन्हें क्या करते हैं, कम कम समय में के लिए पैसा देते हैं, निधिज होते हैं, हम किटी पार्टी करते हैं जैसे हमने पहले, तो हम क्या करते हैं हर महीने सब लोग हजार हजार रुपए डालते हैं। सपोज फाइव लेडीज है, वो फाइव थाउजेंड रुपीज हो गया, जिसको रिक्वायरमेंट है एक साथ 5,000 रुपए मिल जाते हैं उसको, तो ये कैसे होते। पर इनके कोई गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता, उनको कोई गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन फॉलो नहीं करने होते। उसके अपोजिट अगर हम किसको देखें, ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट को देखें या जिसको बोलते हैं संगठित मुद्रा बाजार को देखें, तो उसमें क्या होता है, संगठित मुद्रा बाजार में काम करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, हमने ये पढ़ेंगे DFHI, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, कमर्शियल पेपर हो गया जिसमें पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर दोनों के हो सकते हैं, और डेवलपमेंट बैंक आते हैं जो क्या करते हैं, गवर्नमेंट के बनाए रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करके उसके बेसिस पे शॉर्ट टर्म के लिए क्या करते हैं, फंड प्रोवाइड कराते हैं। क्लियर है यहां तक? क्या देखते हैं, कंपोजिशन ऑफ मनी मार्केट, मनी मार्केट जनरली कैसे बनता है, उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम क्या करते हैं वर्क करते हैं, या कौन से प्रपत्र जिनमें हम क्या करते हैं ट्रांजेक्शन करते हैं। तो क्या बोल रहा है, कॉल मनी मार्केट, कमर्शियल बिल मार्केट और डिस्काउंट मार्केट, एक्सेप्टेंस मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट। सबसे पहले देखते हैं कॉल मनी मार्केट क्या होता है।
फिर इंस्ट्रूमेंट दिखा रहा है, इंस्ट्रूमेंट में ट्रेजरी बिल दिखा रहा है, मनी एट कॉल, शॉर्ट टर्म नोटिस इन कॉल लोन मार्केट, कमर्शियल बिल, प्रॉमिसरी नोट इन द बिल मार्केट, न्यू इंस्ट्रूमेंट बता रहा है, कमर्शियल पेपर, बहुत सारे न्यू इंस्ट्रूमेंट है, नए प्रपत्र है जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, मनी मार्केट में ट्रांजेक्शन करते हैं। पहले हम देख लेते हैं लेकिन क्या कॉल मनी मार्केट, कॉल मनी मार्केट क्या होता है, कॉल मनी मनी बाजार बोलते हैं हिंदी में इसको। विश्व के सभी विकसित मुद्रा बाजार में कॉल मनी बाजार पाया जाता है। भारत में कॉल मनी बाजार का प्रमुख रूप से मुंबई में केंद्रित है, यद्यपि यह दिल्ली, कोलकाता तथा चेन्नई में भी विद्यमान है। कॉल मनी बाजार से व्यवहार एक दिन के लिए किए जाते हैं, मतलब इसमें ट्रांजेक्शन वन डे के लिए भी किए जाते हैं, और ओवरनाइट बोलते हैं जिसको, एक दिन ओवरनाइट के लिए किए जाते हैं। इस बाजार में ऋण जिन्हें कॉल लोन्स कहा जाता है, एक दिन के लिए अंतर बैंकीय व्यवहार के रूप में होते हैं। बैंक अपनी तरलता संबंधी आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त कोषों को दूसरी बैंक को, जिनको तरलता की या जिनको लिक्विडिटी की क्या है जरूरत है, एक दिन के लिए क्या करता है, उधार देता है। तो कॉल मनी मार्केट का क्या हो गया, जो ओवरनाइट के लिए क्या कर रहा है, फंड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। एक कॉल मनी मार्केट बाजार में यह क्रम प्रतिदिन चलता रहता है। कल का अतिरिक्त तरलता वाला बैंक लेंडर अगले दिन कम तरलता वाला बैंक बोरोअर बैंक बन सकता है। जरूरी नहीं है कि आज जो मुझे फंड प्रोवाइड करा रहा है कल वो भी वही हो सकता है, कल उसको फंड की रिक्वायरमेंट हो जाए, क्योंकि प्रत्येक बैंक की तरलता की स्थिति प्रतिदिन बदलती है। क्या होता है, डेली उनकी पोजीशंस क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। कॉल मनी मार्केट जो होता है उसके क्या क्या लाभ होते हैं या उसके क्या क्या एडवांटेज या बेनिफिट होते हैं वो देख लेते हैं। ये हाईली लिक्विडिटी होती है, इसमें उच्च तरलता होती है, हाई प्रॉफिटेबिलिटी होती है, सेफ एंड चीप होता है सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये कैसे में आता है, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में आता है। ऑर्गेनाइज्ड में आ गया मतलब कि गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करेगा तो ये सेफ होता है और सबसे सस्ता या चीप होता है। रिजर्व बैंक की नीति में सहायक होता है, ऑपरेशनल मोड और टू RBI। ये क्या है, इसके एडवांटेज है किसके, कॉल मनी मार्केट के। अब इसकी क्या बोलना चाहिए, ऑपरेशंस कैसे होते हैं या इसकी कार्य प्रणाली कैसे होती है, किसकी, कॉल मनी मार्केट की। कॉल मनी बाजार में ऋणी एवं ऋणदाता एक दूसरे से टेलीफोन पर संपर्क करते हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया ये टेलीफोनिक होता है, अतः इसे मूलतः टेलीफोन का बाजार कहा जाता है। दोनों पक्ष फोन पर मोल भाव के बाद एक निर्णायक सौदे पर सहमत हो जाते हैं, जिसमें ऋण की राशि व उस पर ब्याज दर की सहमति प्रमुख होती है कि कितनी राशि लेनी है और उस पर कितना इंटरेस्ट रेट लगने वाला है। सौदा पूरा होने पर ऋणदाता सहमत राशि का चेक ऋणी के पक्ष में जारी करता है, उसको चेक इशू कर देगा, ऋणी उसकी स्वीकृति प्रदान करता है। भविष्य में ऋण के ब्याज सहित शोधन होने के पश्चात ऋणदाता उचित निष्पादन पश्चात रसीद ऋणी को वापस कर देता है। ऐसे ऋणों को प्रायः कॉल लोन्स कहा जाता है, जो हमने बोला जिनकी अवधि, समय अवधि मात्र एक दिन की होती है, हमने पहले डिस्कस किया। जो लोन लेता है वो कौन हो जाता है, कॉल लोन कहा जाता है, जो एक दिन के लिए जाते हैं। ऑल ओवरनाइट फंड जो लिए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कॉल लोन्स बोलते हैं। तो क्या बोल रहा है, वो टेलीफोनिक ट्रांजेक्शन होते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ जो भी मोल भाव करना होता है वो कर लेते हैं, बार्गेनिंग करने के बाद उनको कितनी अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, उस पर कितना इंटरेस्ट लगेगा वो सब डिसाइड कर लेते हैं। फिर जिस अगर वो दोनों एग्री हो जाते हैं टेलीफोन पे तो वो क्या कर देते हैं, उसके लिए चेक इशू कर देता है, और जब एक दिन में उसको फिर वो वापस कर देता है। इस टाइप के लोन्स को क्या कहा जाता है, कॉल लोन्स कहा जाता है, जिनकी समय अवधि टाइम पीरियड एक दिन मात्र होती, अगले दिन ऐसा ही सौदा किन्हीं अन्य दो बैंकों के मध्य था, ऐसा चलता रहता है कंटिन्यू। इस प्रकार व्यापारिक बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं अपनी तरलता संबंधी वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋण लेते रहते हैं, एवं जिन पर तरलता का आधिक्य होता है वो ऋण देते रहते हैं, जिनके पास ज्यादा है वो देते रहेंगे, जिनको रिक्वायरमेंट है वो लेते रहेंगे।
ये क्या होता है हमारा कॉल मनी मार्केट होता है। कॉल मनी मार्केट के बहुत सारे एडवांटेजेस हम बताया, हाईली लिक्विडिटी होती है, हाई प्रॉफिटेबिलिटी होती है, एक दिन में ही आप पैसे से अच्छे से और सरप्लस फंड अर्न कर सकते हो, जिसको रिक्वायरमेंट है वो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है, सेफ होता है और चीप भी होता है और सारे रूल्स और रेगुलेशन के थ्रू होता है। क्लियर है? ऐसे ही हमको क्या पढ़ना है, सारे इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है। जैसे अब इसके बाद नेक्स्ट क्या दिख रहा है, कॉल मनी मार्केट के बाद मुझे दिख रहा है कमर्शियल बिल मार्केट, एक्सेप्टेंस मार्केट या ट्रेजरी बिल मार्केट। तो ट्रेजरी बिल मार्केट में क्या होता है, केंद्रीय सरकार अपनी अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, कौन कर रहा है अब ये, केंद्रीय सरकार करती है। क्या करती है केंद्रीय सरकार, अपनी अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ट्रेजरी बिल जारी करती है, जब किसी समय सरकार की व्यय आवश्यकता उसके आय साधन से अधिक हो जाती है तब सरकार अस्थायी रूप से कोष प्राप्ति हेतु ये बिल जारी करती है। भारत में ट्रेजरी बिल का खरीदार रिजर्व बैंक ही है। बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा ट्रेजरी बिल पुनः संशोधन रीडिस्काउंटिंग के लिए रिजर्व बैंक को ही उपस्थित करते हैं। तो ये किसके ट्रेजरी बिल जो है वो किसके लिए हो गया, जो केंद्रीय सरकार को अपनी अल्प क्या बोलना चाहिए, अल्पकालीन या शॉर्ट टर्म पीरियड में जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है मनी से रिलेटेड उनको फुलफिल करने के लिए वो क्या करता है, ट्रेजरी बिल इशू करता है। और इसको कौन ले सकता है, आरबीआई ही ले सकता है। इस तरीके से क्या है, इसके सारे कंपोजिशन किससे मिलके बनता है, मनी मार्केट का कॉल मनी मार्केट होते हैं, कमर्शियल बिल्स होते हैं, एक्सेप्टेंस हाउसेस होते हैं, ट्रेजरी बिल मार्केट होता है, एक कमर्शियल बिल मार्केट होता है जिसको कमर्शियल बिल मार्केट बोलते हैं, इसमें भी लिखा हुआ है कमर्शियल पेपर भी बोलते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मार्केट, जो हमने देखा कि बहुत सारे न्यू इंस्ट्रूमेंट भी आ गए हैं जैसे कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इन सब से मिलके हमारा क्या बनता है, कॉल मनी मार्केट या मुद्रा बाजार बनता है। अब मुद्रा बाजार के जो प्रपत्र हैं, जो इंस्ट्रूमेंट हैं, इनकी भी बहुत सारी क्या होती हैं, विशेषताएं होती हैं, या इनकी भी बहुत सारे क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्या होते हैं, ये हाईली लिक्विडिटी होती है, इनकी उच्च तरलता होती है, एक दिन में भी इनको हम क्या कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं। सेफ होते हैं क्योंकि हम किसके थ्रू करते हैं, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन के थ्रू इनको फॉलो करते हैं। अल्प अवधि की परिपक्वता, शॉर्ट पीरियड मैच्योरिटी होती है, हम इसमें लार्ज वॉल्यूम ट्रांजेक्शन बृहद मात्रा में सौदे कर सकते हैं। सीमित पक्षकार होते हैं, लिमिटेड पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जैसे हमने देखा कि ट्रेजरी बिल को कौन ले सकता है, गवर्नमेंट के लिए आरबीआई ही ले सकता है। और ये इसकी क्या हो गई, ये इंस्ट्रूमेंट की क्या हो गई, विशेषता हो गई। क्लियर है यहाँ तक?